हे दोस्तों, मिस्टर शान परे जो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सीकन भाई, अभी ना मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा है द मिरर प्रिंसिपल नाम का, जो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगा ना। वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट उस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए जिसके मैं जानता हूँ कि आप आंसर्स करो। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि सीकन भाई बताइए, क्या सच में ये जो मिरर प्रिंसिपल है ऐसा कुछ होता भी है, ये रियलिटी है या फिर बस ऐसी हवेबाजी है? इसके लिए मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया, एक स्टोरी बताई बियॉन्से की। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बियॉन्से को जानते हो? उसने कहा हाँ हाँ, वही जो लाइव कॉन्सर्ट करती है, सिंगर है, बाहर की बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, राइट? जी हाँ, एग्जैक्टली। ना आपको पता है उनकी जो टिकट है वो 32 लाख तक रुपए में भी बिकती है और उन्हें हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। हज़ारों की भीड़ में बियॉन्से परफॉर्म करती है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे। ना ये चीज़ तो काफ़ी लोगों को पता होगी, बट शायद आप लोग को ये चीज़ पता नहीं होगी कि बियॉन्से ना हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट बचपन में वो एक बहुत ही ज़्यादा शाय गर्ल थी। जब वो सिर्फ 7 साल की थी तब उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कहा था, तब उन्होंने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी। जैसे तैसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद वो स्टेज पे गई थी। स्टेज पे जाते ही उनका मन करने लग गया कि वो वहाँ से भाग जाए। इतना डरती थी वो स्टेज से। वो ऐसी थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो फ्यूचर में जाके ऐसी लड़की बनेगी जो हज़ारों लाखों को एंटरटेन करेगी बिना डरे स्टेज पर जाके। अब ये चीज़ काफ़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे एक लड़की जो इतनी शाय थी बचपन से वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन गई, एग्जैक्ट अपोजिट बन गई। अब ये वो कैसे कर पाती है और इसके पीछे का सच क्या है पता है? सच ये है कि स्टेज पे ना बियॉन्से परफॉर्म करती ही नहीं है, बल्कि जो लड़की परफॉर्म करती है उसका नाम है साशा फियर्स। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब हमशकल? नहीं, हमशकल नहीं, बल्कि इसे बोलते हैं अल्टर ईगो का कॉन्सेप्ट। तुमको शायद यकीन नहीं होगा, बट जाके गूगल पे सर्च करो साशा फियर्स। अगर आप लिख के देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि साशा फियर्स कोई रियल पर्सन नहीं है, बियॉन्से का ही क्रिएट करा हुआ एक मिरर इमेज है। मिरर प्रिंसिपल का यूज़ करके एक अल्टर ईगो बनाया गया है जो उनसे एग्जैक्ट अपोजिट है, जो सॉफ्ट, क्वाइट और शाय गर्ल नहीं बल्कि एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट पॉप स्टार है। और सिर्फ बियॉन्से की ये बात नहीं है, ऐसे कई सारे पॉप स्टार और सुपरस्टार्स हैं जो लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो मुझे भी पसंद है वो है डेविड गॉगिन्स का। डेविड गॉगिन्स जो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर है, या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन है, वो भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाए जब उन्होंने अपने अल्टर ईगो का यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसे वो गॉगिन्स बुलाते हैं। डेविड गॉगिन्स वो एक्चुअल में रियलिटी है, बट उनकी एक और पर्सनैलिटी आप बोल सकते हो, एक और ईगो है उनका, गॉगिन्स। जब भी वो अपनी लाइफ में कुछ टफ फेस करते हैं ना तो अपने आप को बोलते हैं कि कम ऑन गॉगिन्स, यू कैन डू इट। और इतना ही नहीं, और एग्जाम्पल देता हूँ। जितने भी मेथड एक्टर्स होते हैं ना वो लोग भी देखो बहुत अच्छे एक्टिंग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज़ बिलीव करने लगते हैं, वो उस मिरर इमेज में, मिरर प्रिंसिपल में बिलीव करने लगते हैं कि वो वही इंसान है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको पता है एनिमल मूवी भी बहुत अच्छा कर रही है। एनिमल मूवी में भी आपने देखा ना बॉबी देओल का जो सीन है ना जिसमें वो पूरे खून से लथपथ है और ऐसा खामोशी वाला उंगली दिखा रहे हैं, तब वो बोलता है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे थे, वो उस टाइम पे एक्चुअल में सोच रहे थे कि अगर उनके भाई के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, सनी देओल जो है वो उनकी लाइफ से निकल जाएंगे तो कैसा फील होगा, और वो चीज़ सोच कर ही वो एक्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इतना रियलिस्टिकली एक्टिंग कर पाए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मिरर प्रिंसिपल एक्चुअल में काम करता है, कुछ तो उसके पीछे लॉजिक है ना। मिस्टर शान पर ये सारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अब लॉजिक की बात आई है तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है कि ये क्यों काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने कहा हाँ रुको बताता हूँ, बट उससे पहले ब्रायन ट्रेसी का ये वीडियो देख लो। इट्स नॉट बिकमिंग अ मिलियनेयर दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स द पर्सन दैट यू मस्ट बिकम इन ऑर्डर टू बिकम अ मिलियनेयर। या इस वीडियो में ब्रायन ट्रेसी जो बात बोल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा सच है। मिलियनर बनने के लिए आपको ना पहले मिलियनर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके ही आप मिलियनर बन सकते हो। और जब तक आप मिलियनर इंसान जैसा बिहेव नहीं करोगे, बनोगे नहीं वो इंसान एक्चुअल में, तब तक आपको वो मिलियनर जैसे पैसे भी नहीं आएंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम लोग अपने आप को मिलियनर जैसा देख ही नहीं पाते हैं मिरर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप खुद मिरर के सामने जाओ और देखो कि मिरर में जो सामने इंसान आपको दिख रहा है उसे आप कैसे डिफाइन करते हो। क्या आपके सामने जो इंसान है उसे आप एक लूज़र बोलते हो, उसे आप एक आलसी इंसान बोलते हो जिसे काम करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जो कभी अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएगा? ट्रस्ट मी, अगर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अगर आप अपने आप को मिरर में ऐसे देखोगे कि आप ऐसे लूज़र इंसान हो, तो गेस व्हाट, ज़िंदगी आपको ऐसे बहुत सारे मौके देगी जिससे आपका ये जो बिलीव है वो पूरा होते जाएगा कि हाँ सच में आप एक आलसी इंसान हो, आप बहुत बुरे इंसान हो जिसे काम करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। जबकि इसका एग्जैक्ट अपोजिट अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आप अपने आप को ऐसे देखना स्टार्ट करते हो कि आप इन प्रोग्रेस हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप मेहनत से काम करते हो, तो गेस व्हाट, अगर आप इसे फुल बिलीव के साथ मिरर में देखना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपके एक्शंस को भी बदलने लग जाएगा। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो लोग हमेशा अपने आप को एक एवरेज इंसान की तरह देखते हैं। मैं कितने लोगों से पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो उनकी बातों में ये दिख के आता है कि नहीं यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं कभी कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ, मैं अपने गोल्स को कभी अचीव कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है। वो अपने आप से ही ऐसे नेगेटिवली बात करते हैं और अपने आप को ऐसे नेगेटिवली देखते हैं, जिसकी वजह से गेस व्हाट, जब उनके पास सामने कभी अपॉर्चुनिटी आती भी है जिससे वो अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं, तब भी वो एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर वो बिलीव ही नहीं होता है। और यही है बेसिक मोटा सा फंडा मिरर प्रिंसिपल के पीछे। मिरर प्रिंसिपल से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि देखो जब भी है ना हम ना अपने दिमाग में कुछ चीज़ को सोचते हैं तो वो चीज़ एक अलग डायमेंशन में है, हमारे दिमाग में है वो। वहाँ पे अगर हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास रोल्स रॉयस है या फिर मैं बहुत ज़्यादा लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ इंस्टेंटली हो जाती है। लेकिन थ्री डायमेंशन वाली जो हमारी दुनिया है उसमें वो चीज़ ऐसे अचानक से नहीं हो सकती है क्योंकि हम फिजिक्स के कुछ लॉस से बाउंड है। बट अगर हम लोग ऐसा सोचते रहेंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे वो चीज़ रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होगी, फिजिक्स के सारे लॉस को अप्लाई करते हुए। अगर बेसिकली देखा जाए तो मिरर प्रिंसिपल को हम ऐसे ही कुछ समझ सकते हैं कि मिरर प्रिंसिपल बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपके अंदर वो होप देता है जो कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बड़े काम करने के लिए। और यही है इसके पीछे का लॉजिक। नो मिस्टर शानपरे को ये बात भी अच्छी लगी, बट उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से ये भी आ गया कि ठीक है इसके पीछे का थोड़ा बहुत लॉजिक भी मुझे समझ में आ गया, बट अब इस प्रिंसिपल को मैं एक्चुअल में खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है उसकी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है बचपन से कि हमें बहुत सी चीज़ें इम्पॉसिबल लगने लग जाती है, जैसे कि बिजनेस करना हमारे बस की बात है ही नहीं, कंटेंट क्रिएट करना हमारे बस की बात नहीं है, या फिर ये सब अच्छे लोग नहीं करते हैं, या फिर ऐसी बहुत सी कंडीशनिंग होती है जिसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीव ही नहीं है उस चीज़ में। तो बिलीव लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट्स बताने वाला हूँ जो तुम खुद कर सकते हो ताकि तुम्हारा इस चीज़ के ऊपर बिलीव थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि बिलीव बढ़ गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट करना भी स्टार्ट कर देगी। और बिलीव क्रिएट करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको दूंगा। पहला एक्सपेरिमेंट है ब्लू ग्रास, बटरफ्लाइज और फेदर। ना ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ना ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है पता है, ये 3 चीज़ के बारे में आप सोचो, ट्राई करो और इसकी इमेज क्रिएट करो अपने दिमाग में। एक ब्लू कलर का ग्लास है या फिर एक बटरफ्लाइज या फिर फेदर्स, इनके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करने की इनको कोशिश करो और आप चाहो तो ऐसी चीज़ें बोल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्स प्लीज शो मी ब्लू ग्लास। बस यहाँ पे की ये है कि आपको कोई ऐसी चीज़ चुननी है जिसके बारे में आप न्यूट्रल हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ब्लू ग्लास, बटरफ्लाइज या फेदर रहे, ऐसा कुछ चूज़ करो जो न्यूट्रल हो, जो आपके लाइफ में ऐसा नहीं कि आपको डेली दिखता रहता है, या फिर ऐसा भी ना हो जो आपको दिख ही नहीं सकता। जैसे कि अगर आप ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे आपको पेंगुइन दिखना है, पेंगुइन, तो पेंगुइन आपको इधर पे दिखना बहुत मुश्किल है रियलिटी में, वीडियो में शायद दिख भी जाए। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसी न्यूट्रल चीज़ें चूज़ करते हो और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि वो लोगों को वो चीज़ें फिर कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही हफ्तों में वो चीज़ उन्हें दिखने लग जाती है या दिख जाती है एक ना एक बार। यह है पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है नेविल्स लैडर, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही है। ये टेक्निक नेविल गॉडार्ड ने शो करी थी, ये बताने के लिए कैसे जो हमारी इमेजिनेशन है ना कई बार वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। और कई सारे लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है और उनके साथ ये चीज़ हुई भी है, तुम भी ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो। अभी इस एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप कहीं पर कंफर्टेबली बैठ जाओ या फिर लेट जाओ अपनी आँखें बंद करके। स्टेप 2, इमेजिन करना चालू करो आपके सामने एक लैडर है। स्टेप 3, उसके बाद आप ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने लेफ्ट हैंड से उस लैडर को पकड़ रहे हो, फिर आपने राइट हैंड से उसको पकड़ा, फिर नेक्स्ट अब इमेजिन करो आप अपना एक पैर उस लैडर पर रख रहे हो, फिर नेक्स्ट आप अपने आप को पुश कर रहे हो उस लैडर पर चढ़ने के लिए, फिर एक के बाद एक आप उसको चढ़ रहे हो। फिर नेक्स्ट स्टेप, अब इसी स्टार्ट से एंड तक की चीज़ को वापस से इमेजिन करो, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। इसे इतनी बार करो कि आपकी इमेजिनेशन आपको रियल लगने लगे। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत रियल लगने लगे रुक जाओ। अब एक पेपर पे लिखो आई विल नॉट क्लाइम द लैडर और इसे अपने वॉलेट में रख लो। चाहिए तो इसे ना अपने मिरर पे भी जाके लिख लो और इसे जब भी मिरर में देखो तो पढ़ लो। नो ये एक्सपेरिमेंट को आप एटलीस्ट 3 रात तक सोने से पहले करो और अब जब आप ऐसे ही करते रहोगे कुछ टाइम तक तो कुछ ही हफ्तों में देखना ना चाहकर भी आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से लैडर चढ़ोगे ही चढ़ोगे। नो ये एक्सपेरिमेंट मैंने पर्सनली तो ट्राई नहीं किया है, बट कई सारे लोग ने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ उनके साथ हुई है। बट थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट जो तुमको मैं बताता हूँ वो चीज़ के बारे में मैं और बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। मेरा एक टीम मेंबर है जिसने इस एक्सरसाइज को किया है, जहाँ वो क्या करता था कि उसने लगातार 3 महीने तक एक शीट पर लिखा कि आई विल सेक 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। और गेस व्हाट, 3 महीने लगातार करने के बाद 4th महीने ही उसने अपनी महीने के टोटल इनकम से 1 लाख रुपीज़ सेव कर लिए थे। 55x5 स्क्रिप्ट राइटिंग थोड़ा और प्रिसाइज है। इसके अंदर बेसिकली वो ये ऐसे बताया जाता है ना, जो भी आपका डिजायर है उसको आपको कम से कम 55 बार एक दिन में लिखना है और 5 दिन तक लिखना है और मैनिफेस्टेशन में कुछ भी हो सकता है, आई एम मीटिंग अ फ्रेंड, या फिर आई एम गोइंग फॉर दिस, आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, या जो भी चीज़ें होती है। इसे अगर आप 55 बार 5 दिन तक लिखोगे तो वो चीज़ भी रियलिटी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये 3 चीज़ें करोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ अगर होगा, जब रियलिटी बनेगी तो तुम्हारा बिलीव इस चीज़ पर बढ़ जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही लग रही है, मैं इनमें से कोई एक तो ज़रूर ट्राई करूँगा। बट अगेन मिरर प्रिंसिपल पे आए, मिरर प्रिंसिपल को और एक्जैक्टली मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक क्वेश्चन से पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक शीशे के सामने खड़े होते हो और आप चाहते हो कि मिरर में ऐसी इमेज दिखे जैसी आप चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप मिरर को बार बार बदलने की कोशिश करोगे या फिर अपने आप को? समझो फॉर एग्जाम्पल आप मिरर के सामने जा रहे हो, लेकिन आप नॉर्मल से शर्ट पैंट पहन के जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि मिरर में आपको एक सूट वाला इंसान दिखे, और ये चीज़ जब नहीं होती तो आप क्या करते हो, एक के बाद एक मिरर चेंज करते रहते हो। तो क्या ये चीज़ लॉजिकल है? नहीं। अगर आप चाहते हो कि मिरर में आपको ऐसा इंसान दिखे जो कोट सूट पहनता है, जो बहुत रॉयल है, मिलियनर है, तो पहले आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको जाके बाहर कोट सूट खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको रिफ्लेक्शन में वैसे ही दिखेगा, राइट? और यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी जो ड्रीम लाइफ है उनको दिखे, उनको मिले एक्चुअल में, बट कई बार वो ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए वो जो चेंजेस उनके अंदर उनको करने की ज़रूरत है वो वही नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके भी जो सपने हैं वो अगर आप चाहते हो कि मिरर इमेज से पूरे हो, तो इससे आप शीशे बदलने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, बल्कि आपको अपने अंदर, अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना होगा। और वो करने के लिए आप 4 W's का यूज़ कर सकते हो, जो है वेयर, वॉट, वाई एंड हु। मिरर प्रिंसिपल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पूछो कि वेयर आर यू स्ट्रगलिंग, आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, कौन सी चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, क्या आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, क्या आपको कोई भी प्रोजेक्ट खत्म करने में प्रॉब्लम होती है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर स्टार्ट कर दिया है लेकिन उसके अंदर स्टक हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आइडेंटिफाई करो कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे कैसे अटके हुए हो, कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लिखो, अपने बुक में लिखो। फिर आता है वॉट, वॉट क्वालिटीज वुड हेल्प यू मूव थ्रू द स्ट्रगल। आप फिगर आउट करो कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ अपने ऑल्टर ईगो में आप ला सकते हो जिससे वो स्ट्रगल से निकलने में आपकी हेल्प कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मे बी आपको ना अपने बिजनेस को डबल करना है, उस पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट आपको पता है कि अगर आपकी सेल्स स्किल अच्छी हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो चीज़ आप कर लोगे। तो ऐसी आप क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चालू करो, कॉन्फिडेंस, सेल्स स्किल, क्रिएटिविटी, या कौन सी वो क्वालिटीज़ होगी जो आपको आपके स्ट्रगल से निकलने में हेल्प करेगी। अगर आपको जिम जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कौन सी क्वालिटी होगी जो आपको जिम जाने में हेल्प करेगी, वो है डिसिप्लिन, हेल्दी डाइट यूज़ करना, विल पावर का यूज़ करना, राइट? तो ऐसी क्वालिटीज़ को लिखना स्टार्ट करो। फिर थर्ड, हु एम्बॉडीज दोज क्वालिटीज़। आपको पता है फेमस बेसबॉल प्लेयर बो जैक्सन जो है ना, उन्हें ना स्टार्टिंग में जब वो यंग थे तब उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ थे, उनको बहुत गुस्सा आता था जो उनके गेम पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा था। इससे कोप करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक ऑल्टर ईगो क्रिएट किया, जेसन नाम का। और ये जेसन उन्होंने कहाँ से चुराया था पता है? जेसन बेसिकली एक मेन कैरेक्टर है फ्राइडे द 13 मूवी के फ्रेंचाइज का। अब ये जो जेसन है ना, उसके अंदर लैक ऑफ इमोशंस है, वो रिलेंटलेस है, और यही सारी क्वालिटी जैक्सन को अपने अंदर चाहिए थी। इसीलिए जब भी उन्हें जब गुस्सा फील होता था ना, तो वो साइलेंटली अपने आप से बोलते थे जेसन अपने दिमाग में, और वो कहीं ना कहीं वो मेन कैरेक्टर बन जाते थे। जैसे ही वो अपने आप को जेसन मानने लग जाते थे, उनका जो एंगर इश्यूज़ था वो ख़त्म होने लग जाता था, और फिर वो पूरा फोकस अपने गेम पे कर पाते थे ना। ऐसे ही कुछ मैंने भी ट्राई किया है कई बार। अगर मुझे भी जिम में ऐसा बहुत काहिली आ रही होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेविड गॉगिन्स के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि यार क्या वो इधर पे होता तो वो भी ऐसा स्ट्रगल कर रहा होता, या फिर कहीं ना कहीं मैं उस इंसान को सोच के वो क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने लग जाता हूँ। और गेस व्हाट, ये मेरे लिए काम करिए। कई बार मैं थकान भी फील कर रहा रहता हूँ, तब भी मैं डेविड गॉगिन्स के बारे में अगर सोचता हूँ तो मेरे अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आता कि नहीं और भागूँ। ऐसी थर्ड पॉइंट में तुम्हें ये करना है कि वो क्वालिटीज़ जो तुम्हारे अंदर कमी है, जो तुम चाहते हो कि अपने अंदर आए, वो कौन ऑलरेडी एम्बॉडी करके रखा है किसने, उसको क्लैरिफाई करो। और ऐसा भी नहीं कि वो इंसान जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो वो रियल ही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग बैटमैन, कैप्टन अमेरिका और कई सारे ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर से भी इंस्पायर होते हैं। इवन जो डेविड गॉगिन्स भी थे ना, वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड थे, ना कि किसी रियल इंसान से। ऐसे ही जो कोबी ब्रायंट भी जो थे, बहुत फेमस प्लेयर थे, उनका भी जो अल्टर ईगो था वो स्नेक था, इसीलिए उनको ब्लैक माम्बा कहा जाता था, बिकॉज उनको एक स्नेक जैसी क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी थी, फास्ट, स्मूथ और फॉर्मिडेबल। ऐसी आप भी सोचो। और फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वो है वाई डज योर मिरर इमेज हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़। अभी देखो जितने भी आपने पिछले क्वेश्चंस करे होंगे और जो भी चीज़ आपके दिमाग में आई होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, रीज़न जिसके अंदर आप डीपली बिलीव करते होंगे, और बिलीव करना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप बिलीव नहीं करोगे इनमें से किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेन्युइनली बिलीव करूंगा ही नहीं कि यार डेविड गॉगिन्स सच में वर्ल्ड का टफेस्ट इंसान है, तो ना मैं उससे इंस्पायर हो पाऊंगा, ना वो क्वालिटीज़ अपने अंदर ला पाऊंगा। इसीलिए आपको बिलीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस पे। अपने आइडल्स पे, जिसको भी आप अपना आइडल बनाना चाहते हो, उसके ऊपर बिलीव करना भी स्टार्ट करो। और ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो सकता है आपके लिए, जिससे भी आप इंस्पायर होते हो, चाहे वो आर्नोल्ड हो, चाहे सलमान खान हो, या कोई भी हो सकता है। बट आपका बिलीव अगर उस इंसान पे बहुत है कि हाँ वो इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ है, तो ये ट्रिक आपके लिए फिर काम करेगी। और ऑल्टर ईगो को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक चीज़ जो हेल्प कर सकती है वो है स्टोरीज़। या फिर जितना आप अलग अलग इंस्पायरिंग लोगों की कहानी सुनना स्टार्ट करोगे, उतना आपको बिलीव आना स्टार्ट होगा, उतना आप उनका यूज़ कर सकते हो अपना खुद का अल्टर ईगो क्रिएट करने के लिए, आपकी खुद की क्वालिटीज़ अपने अंदर डालने के लिए। इसलिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनते रहो, और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने में इंटरेस्ट है, अगेन सीकेन के चैनल पर आपको वही सारे स्टोरीज ही मिलते रहेंगे जो आपको ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजेंगे। सो उसको भी देखते रहना। ना ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर शानपरे जो थे उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने वो सारी चीज़ों के नोट्स बनाए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों के नोट्स बनाओ और इनमें से एटलीस्ट कोई एक बात या दो बात पे तो प्रैक्टिकल जाके एक्शन लो। बिकॉज याद रखो, ये जितनी भी बातें आप सीखते हो वो सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एक्ट करना उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन से ही रिजल्ट आते हैं, बाकी सारी चीज़ें से नहीं आते हैं। और कहूँगा अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहनी है जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस में इंटरेस्ट है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस वीडियो पे 10,000 20,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऐसे टाइप के वीडियोस और बनाऊंगा फ्यूचर में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।